हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में लिम्फाटिक सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और जो लिम्फाटिक ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ब्रीफली जो है वो स्प्लीन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्लीन डिस्कस करने से पहले मैं लिम्फाटिक सिस्टम को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो लिम्फाटिक सिस्टम है ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अगर तुम लोग समझ जाओगे तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। जैसे कि देखो, यहाँ से ये पार्ट हो गया आर्टेरियल सिस्टम और ये पार्ट हो गया वेनस सिस्टम। यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टम मींस यहाँ पे हार्ट में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटर होने के बाद ये एरोटा के थ्रू जो है वो फ्लो होता है, एरोटा के थ्रू फ्लो होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये आर्टेरी का जो फाइन ब्रांचेस रहता है ये आर्टेरियल्स हो गया। यहाँ पे आर्टेरियल्स में फॉर्म हो जाता है। एंड उसके बाद ये मिडिल वाला पार्ट जो है वो कैपिलरीज है। वैसे ही यहाँ पे ये वेनस सिस्टम है, यहाँ पे जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ये रहता है। यहाँ पे देखो जो वेनस है उसका फाइन ब्रांचेस हो जाता है वेन्यूल्स, एंड उसके बाद ये हो जाता है कैपिलरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये हार्ट से ऑक्सीजनेटर ब्लड जो है वो फ्लो होता है ये आर्टेरियोस एंड देन कैपिलरीज के थ्रू, ये कैपिलरीज के थ्रू जो है वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में ये फ्लूइड जो है वो पहुँचता है। और यहाँ पे कहाँ पे पहुँचता है, ये कैपिलरी से ये फ्लूइड जो है वो लीक होके ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मीन्स टिश्यू के बीच में जो गैप रहता है उसमें ये फ्लूइड लीक होता है कैपिलरीज के थ्रू। और जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एक दिन में 20 लीटर फ्लूइड जो है वो लीक होते हैं इस कैपिलरीज के थ्रू ये टिश्यू स्पेस में। और इस टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड लीक होता है उसमें रहता है ऑक्सीजन, रहता है लिम्फोसाइट, रहता है न्यूट्रिएंट, रहता है प्रोटीन रहता है। तो उसमें से ये टिश्यू स्पेस में से जो फ्लूइड रहता है उसमें तो ऑक्सीजन प्रोटीन रहता है, तो इसमें से क्या होगा, ये बॉडी का जो टिश्यू है और सेल है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने लगेगा। जैसे कि उसे कुछ प्रोटीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये एब्जॉर्ब करने लगेगा। एंड उसके बाद अगर ये सेल में कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो ये टिश्यू स्पेस के फ्लूइड में वो डेड सेल भी रिलीज करता है और कुछ एंटीजन और पाथोजन भी रिलीज करता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये 20 लीटर फ्लूइड में से ये 17 लीटर फ्लूइड जो है वो फिर से ये वेनस सिस्टम में चले आता है, फिर से रिसाइकिल प्रोसेस कराने के लिए, फिर से फिल्टर होने के लिए। लेकिन 20 में से यहाँ पे 17 लीटर फ्लूइड फिर से वेनस सिस्टम में चले आ रहा है, तो फिर से उसे यहाँ पे टिश्यू स्पेस में 3 लीटर फ्लूइड जो है वो बच जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, हर दिन अगर 3 लीटर फ्लूइड टिश्यू स्पेस में बचेगा तो यहाँ पे एडेमा हो सकता है। एडेमा मीन्स फ्लूइड डिपोजिशन, और जो कि टिश्यू डैमेज करा सकता है। और ये यहाँ पे 3 लीटर फ्लूइड अगर यहाँ पे अटकेगा और वेनस सिस्टम में फिर से दोबारा नहीं जाएगा तो यहाँ पे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड है उसी फिर से वेनस सिस्टम में जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये टिश्यू स्पेस में जो 3 लीटर फ्लूइड है वो कैसे जाएगा, ये जाता है ये लिम्फैटिक कैपिलरीज की मदद से। ये लिम्फैटिक कैपिलरीज की मदद से जो फ्लूइड जो है वो सॉक हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होता है, जो लिम्फैटिक कैपिलरीज वो यूनाइट होकर फॉर्म करते हैं लार्ज लिम्फैटिक वेसल्स और लार्ज लिम्फैटिक डॉक्ट, जैसे कि थोरासिक डॉक्ट रहता है और राइट लिम्फैटिक डॉक्ट रहता है। तो उसके थ्रू क्या होगा, वो कलेक्ट होगा और वो डिफरेंट लिम्फैटिक ऑर्गन जैसे कि लिम्फ नोड में ये जाएगा फिर से फिल्टर होने के लिए। और जैसे कि और ये लिम्फ नोड का काम क्या होता है और लिम्फैटिक ऑर्गन का काम क्या होता है, ये फ्लूइड में वो डिटेक्ट करेगा कि कोई एंटीजन है या पाथोजन है या डेड सेल है, वो रिमूव करेगा और एनगल्फ कर देगा। एंड उसके बाद फिर से ये सब क्लाविअन वेन जो रहता है उसके थ्रू वो सुपीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा को एंटर करेगा और फिर से ये हार्ट में रिसाइकिल होने के लिए सर्कुलेशन प्रोसेस में एंटर करेगा। ये होता है टोटल लिम्फैटिक सिस्टम का प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है, स्प्लीन, जो कि लार्जेस्ट लिम्फैटिक ऑर्गन भी बोला जाता है। और ये दो तरीके का टिश्यू से बना हुआ होता है, एक रेटिकुलर एंड दूसरा जो है लिम्फैटिक टिश्यू। लेकिन ये एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें जो है किसी भी लिम्फ जो है वो स्प्लीन के अंदर फ्लो नहीं होता। सिंपली यहाँ पे ये एक ऐसी ऑर्गन है जो कि ब्लड को स्टोर करके रखता है और ब्लड का जो पाथोजन और फॉरेन पार्टिकल्स ये डिटेक्ट करता है। मींस ये लिम्फ को फिल्टर नहीं करता, ये स्प्लीन को फिल्टर करता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये लिम्फैटिक ऑर्गन कैसे हुआ, ये तुम लोगों के दिमाग में आ सकता है।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लिम्फ, ये जो स्प्लीन है जो कि लिम्फ का जो मेन कंपोनेंट है, लिम्फोसाइट है, वो यहाँ पे फॉर्म होता है और रिलीज होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्राइमरी लिम्फाटिक ऑर्गन होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो ऑर्गन में लिम्फ जो है, लिम्फोसाइट जो है वो फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी लिम्फाटिक ऑर्गन। लेकिन यहाँ पे स्प्लीन जो है वो सेकेंडरी लिम्फाटिक ऑर्गन है, ना कि फर्स्ट प्राइमरी लिम्फाटिक ऑर्गन। तो यहाँ पे ये कैसे हुआ, तुम लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिम्फ जो है वो जो ब्लड है उसमें और जो फ्लूइड है, अगर उसमें कुछ पाथोजन डिटेक्ट हुआ तो ये क्या करता है, उसी टाइम जो है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और एनकल्व करने के लिए और उससे बचाने के लिए जो है वो लिम्फोसाइट जो है वो रिलीज करता है। हर वक्त ये रिलीज नहीं करता, जब पाथोजन डिटेक्ट होता है फ्लूइड में तब ये लिम्फोसाइट जो है वो रिलीज करता है और लिम्फोसाइट बनाता है। और ये लिम्फोसाइट क्या होता है, ये लिम्फोसाइट स्प्लीन में से ये लिम्फ में जो है वो एंटर करके ये जो लिम्फ का डिफरेंट पाथोजन है और फॉरेन पार्टिकल्स है उसे किल करता है। तो सिंपली लिम्फ, सिंपली स्प्लीन जो है एक ऐसे लिम्फाटिक ऑर्गन है जिसमें लिम्फ फ्लो नहीं होता, लेकिन उसमें से लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होके वो लिम्फ में रिलीज करता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंट। और ये स्प्लीन जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स यहाँ पे देखो, ये जो लेफ्ट साइड का लोअर एब्डोमेन बोल सकते हैं, ये हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रेजेंट इन बिटवीन द फोंडस ऑफ द स्टोमक एंड डायफ्राम। फोंडस होता है जो कर्व वाला पार्ट, ये कर्व वाला पार्ट को फोंडस बोलते हैं, और उस ऊपर रहता है डायफ्राम। तो ये फोंडस और डायफ्राम के ये बीच में रहता है स्प्लीन, पानक्रियाज के साइड में रहता है स्प्लीन। और इसका जो कलर है स्लाइटली पर्पलिश कलर है, और इसका जो साइज है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, 7 सेंटीमीटर वाइड रहता है, एंड 2.5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई रहता है, एंड इसका जो वेट है लगभग 200 ग्राम का रहता है। और क्योंकि ये जो है एरिथ्रोसाइट फॉर्म करता है, और एरिथ्रोसाइट और जो कि रेड ब्लड सेल है उसे फॉर्म करता है, और ये स्टोर करके भी रखता है, और जब इमरजेंसी चाहिए ब्लड, जब बॉडी में ब्लड के शॉर्टेज पाए जाते हैं तो ये उसमें से जो स्टोरेज ब्लड में से वो रिलीज करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसीलिए इसे बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी। और ये स्प्लीन जो है ये ओवल शेप का रहता है, ये स्प्लीन का जो शेप, एंड उसके नीचे रहता है हाइलम। हाइलम मीन्स जिसके थ्रू लिम्फाटिक वेसल्स हो गया, आर्टरी वेन जो है वो रिलीज कर एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, उस पार्ट को हाइलम बोलते हैं, जो कि नीचे रहता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि और ये जो है लिम्फोसाइट मैक्रोफेज ऐसी मटेरियल से है जो है ये लिम्फाटिक ऑर्गन स्प्लीन जो है वो बना हुआ होता है। और इसका जो मेन कंपोनेंट्स है जो कि स्प्लेनिक पल्प, जो कि दो टाइप का रहता है, एक है व्हाइट स्प्लेनिक पल्प एंड दूसरा जो है वो रेड स्प्लेनिक पल्प। तो यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा जो बाउंड्री है कवर अप किया है उसे कैप्सूल बोलते हैं, और इसमें जो सेगमेंटेड हुआ है उसे बोलते हैं ट्राबिकुला, जैसे कि लिम्फ नोड में बोलते थे। यहाँ पे ये कैप्सूल हो गया, ये कवरिंग पार्ट कैप्सूल हो गया, उसके बाद ये सेगमेंट जो है इसे ट्राबिकुला बोलते हैं, और ये ट्राबिकुला के अंदर पाए जाते हैं स्प्लेनिक पल्प। और स्प्लेनिक पल्प जो है वो दो तरीके का रहता है, एक है रेड पल्प एंड दूसरा जो है व्हाइट पल्प। तो रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प का काम क्या होता है, व्हाइट पल्प जो है जो एंटीबॉडी कोटेड बैक्टीरिया है उसे फिल्टर करता है, मींस एंटीबॉडी को जिसने रेजिस्ट कर लिया कोई बैक्टीरिया तो उसे सिंपली ये फिल्टर कर देता है। और इसमें जो है बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ का एक्शन दिखाता है, और ये जो है फिल्टर ब्लड को भी ये फिल्टर करता है। और रेड ब्लड, रेड पल्प में क्या होता है, जो कि आरबीसी का जो लाइफ स्पान है 120 डेज, एंड उसके बाद जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो ये आरबीसी जो डिस्ट्रॉय और ओल्ड आरबीसी जो है उसे फिल्टर करना ये रेड पल्प का काम होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये तीन वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि एक है यहाँ पे स्प्लेनिक का, स्प्लेनिक आर्टरी, जिसमें जिसमें क्या होता है
यहाँ पे जो स्प्लीन में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, स्प्लीन को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और एक जो है स्प्लेनिक डैम। यहाँ पे देखो स्प्लेनिक आर्टरी, ए ब्रांच ऑफ द कोइलिक कोइलियक आर्टरी, मीन्स ये एक आर्टरी है जो कि ओइसोफागस को, स्टोमक को, स्प्लीन को, जो कि ये ऑक्सीजनेटर ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। एंड उसके बाद स्प्लेनिक वैन, स्प्लेनिक वैन मीन्स यहाँ पे ये जो स्प्लीन का डी ऑक्सीजनेटर ब्लड रहता है, जो डेड ब्लड सेल रहता है जो कि लीवर में ये फ्लो करता है। पोर्टल वैन मीन्स ये लीवर का वैन, लीवर से कनेक्टेड है, तो ये स्प्लेनिक वैन जो है वो यहाँ से स्प्लीन से ब्लड लेके जाता है लीवर को। यहाँ पे देखो स्प्लेनिक आर्टरी मीन्स ये स्प्लीन में ब्लड आ रहा है, मीन्स स्प्लीन के, स्प्लीन को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटर ब्लड आ रहा है। यहाँ पे स्प्लेनिक वैन जो है वो यहाँ से स्प्लीन से जो है वो लीवर को ब्लड ले जा रहा है। एंड उसके बाद एक रहता है लिम्फ वेसल्स जो कि इफरेंट है, मीन्स इफरेंट मीन्स एग्जिट करता है। यहाँ पे देखो जो लिम्फोसाइट जो है वो स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है वो रिलीज करके लिम्फ में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लिम्फोसाइट जो है एक फागोसाइटोसिस का एक्शन दिखाता है। एंड उसके बाद डिफरेंट नर्व भी यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसका कुछ फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसका मेन फंक्शन होता है फागोसाइटोसिस। जैसे कि फागोसाइटोसिस मीन्स, यहाँ पे मैंने बोल चुका हूँ कि यहाँ पे ओल्डर एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट मीन्स जो रेड ब्लड सेल है यहाँ पे डेस्ट्रॉय होता है। एंड उसके बाद जो है ये डेस्ट्रॉय होने के बाद बिलीरुबिन फॉर्म करता है, मीन्स एरिथ्रोसाइट जो है वो बिलीरुबिन फॉर्म करता है। एंड उसके बाद ये लीवर को फ्लो होता है। लीवर को किसकी मदद से फ्लो होगा? स्प्लेनिक एंड पोर्टल वैन की मदद से। एंड अदर सेलुलर मटेरियल्स लाइक ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स, माइक्रोब्स आर फागोसाइटोसाइज्ड इन द स्प्लीन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, माइक्रोब्स में वैसे भी कुछ जो इन्फेक्शन रहता है उसको भी ये फिल्टर आउट कर देता है स्प्लीन। जैसे कि लिम्फ नोड में जो है वो लिम्फ का एंट्री रहता है, उसके बाद लिम्फ नोड में जो है पाथोजन को डिटेक्ट करता है और फिल्टर करता है, उसके बाद वो एफरेंट वेसल्स के थ्रू एग्जिट करता है। लेकिन यहाँ पे स्प्लीन में क्या होता है, यहाँ पे एफरेंट वेसल्स मीन्स एंट्री वेसल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, यहाँ पे ओनली EFF एफरेंट वेसल्स जो है वो पाए जाते हैं, मीन्स एग्जिट वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि लिम्फोसाइट को फ्लो करेगा लिम्फ में। तो जो लिम्फ फ्लो होता है उसमें बैक्टीरिया रहता है, पाथोजन रहता है, तो उसकी वजह से लिम्फेटिक ऑर्गन में कई कबार जो है वो बीमारी पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है स्प्लीन में लिम्फ जो है वो एंट्री नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से जो लिम्फ से वो जो बीमारी का खतरा रहता है यहाँ पे नहीं पाए जाते। और स्प्लीन जो है लगभग 250 से 350 ml का ब्लड जो है वो स्टोर करके रखता है, और जब बॉडी को ज़रूरत होता है, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग में और इंटरनल क्लॉटिंग में जब ब्लड का शॉर्टेज पाया जाता है, तो यहाँ पे स्प्लीन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये 250 से 350 ml में से ये जितना हो सके वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचाता है। एंड ये इम्यूनी रेस्पॉन्स भी क्रिएट करता है, क्योंकि ये टी एंड बी लिम्फोसाइट कॉन्टेन करता है, और कई कबार ये प्रोड्यूस भी करता है, जो कि एक्टिवेटेड हो जाता है कई एंटीजेंस हो गया और कोई पाथोजेंस के कांटेक्ट में आने के बाद। और क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसकी वजह से कई कबार जो है वो लिम्फोसाइट का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है कोई इन्फेक्शन में, तो उसकी वजह से जो स्प्लीन का जो साइज है उसमें भी जो बढ़ोतरी है वो आता है, मीन्स एनलार्ज हो जाता है स्प्लीन में। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ फंक्शन, जो कि एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मीन्स यहाँ पे जब बॉडी को ज़रूरत होता है तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइट जो कि रेड ब्लड सेल है वो भी प्रोड्यूस कर सकता है, और बेसिकली जो है वो फेटल ब्लड सर्कुलेशन में फेटल ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फेटल ब्लड सेल में यहाँ पे एरिथ्रोसाइट जो है मीन्स फोइटस में ये एरिथ्रोसाइट फॉर्म करने में भी मदद करता है, नॉट इन केस ऑफ फोइटस, ये एडल्ट में भी जब जरूरत होता है बॉडी को ये खुद का जो RBC है वो फॉर्म करके ये रिलीज करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इंसर्ट बोला जाए तो लिम्फाटिक सिस्टम जो है वो लार्जेस्ट लिम्फाटिक ऑर्गन है, और ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी मीन्स यहाँ पे अगर बॉडी को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट कैविटी में ये प्रेजेंट है। और साइज ऑफ ए कॉप्टेंड मीन्स सिंपली एक हाथ से पकड़ सकते हो, उसका इतना उस तरीके का साइज रहता है,
और इसका जो फंक्शन है वो ब्लड को फिल्टर करता है, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स दिखाता है, डिफेक्टिव ब्लड सेल को है वो रिमूव करता है, फिल्टर करता है, और ब्लड सेल प्लेटलेट्स को ये प्रोड्यूस भी करता है और रिलीज भी करता है, स्टोर भी करता है, और हेमाटोपोइसिस मीन्स यहाँ पे रेड ब्लड सेल और आयरन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सिंपली दिस इज ऑल अबाउट दी टॉपिक स्प्लीन। होप यू एंजॉय द टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज गिव योर कॉमेंट्स इन कॉमेंट बॉक्स। हैव ए गुड डे, थैंक यू। We'll be right back.